ओके ऑल राइट, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन, ओके, ऑफ एसिड एंड बेस, राइट। तो इसमें आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि एसिड बेस जो सॉल्वेंट सिस्टम होते हैं उनके कैसी डेफिनेशन है, या उनको कैसे, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, राइट, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये है आपका एक क्वेश्चन है, ये आया था जून 2017, ठीक है, सीएसआईआर नेट जून 2017 पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी में पूछा गया था। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने की तैयारी, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए कैसे होता है देखते हैं। तो जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट, सॉरी, जो हाँ नॉन एक्वस और क्या जो सॉल्वेंट सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटो आयनाइजेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, ऑटो आयनाइजेशन करते हैं। ऑटो आयनाइजेशन कैसे होता है, जैसे ओके या ऑटो आयनाइजेशन मान लीजिए ये BrF3 है, ठीक है, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये क्या होगा, ऑटो आयनाइजेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, BrF+2, ओके, BrF+ पॉजिटिव आयन, और सॉल मतलब सॉल्यूशन में ही हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है आपका BrF-, ठीक है, ये क्या होगा एनायन, और ये होगा आपका कैटायन, राइट, ये एनायन और ये हो गया कैटायन, और ये आपका सॉल्यूशन में ही हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस कंडीशन में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बेस है और क्या है एसिड है, एसिड है और क्या है बेस है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आप देखोगे जो भी सॉल्वेंट होगा, ओके, जैसे यहाँ पे जो लिखा है मैंने कि इन द सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन एनी सॉल्यूट डेट इंक्रीज, ओके, जो सॉल्यूट कहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेगा, इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटाइन, ठीक है, इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटाइन। अगर वो कैटाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा है, ओके, अगर वो कैटाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा है ड्यूरिंग द ऑटोनाइजेशन प्रोसेस, ओके, ड्यूरिंग द ऑटोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ द सॉल्वेंट, तो वो किससे क्या करेंगे हम उसके लिए बोलेंगे एसिड। अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अभी मान रहे हैं आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्या है कि जब हम एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे तब आपको पूरी पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूट जो क्या करे सॉल्वेंट की क्या बढ़ा दे, कंसेंट्रेशन बढ़ा दे किसकी, कैटाइन की, तो क्या बोलेंगे उसे एसिड। और वो इंक्रीज कर दे किसकी, कैटाइन की जगह एनायन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दे तो हो जाएगा वो बेस, ठीक है। अगर कोई भी सॉल्यूट क्या कर रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ कैटाइन की इंक्रीज कर रहा है तो वो होगा बेस, और कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन की इंक्रीज कर रहा है तो वो होगा कंसेंट्रेशन ऑफ कैटाइन की करेगा तो वो होगा एसिड, और कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन की जो इंक्रीज करेगा वो होगा आपका बेस, राइट। तो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये दिया है क्वेश्चन में, ये मैच करना है आपको कॉलम ए से कॉलम बी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो SVF, ये क्वेश्चन हम बाद को करेंगे, पहले आपको क्या करना होगा, हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप क्या होगा, आप आसानी से कर सकोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन है ऑटो आयनाइजेशन की, ठीक है, BrF3 जो क्या है, एक नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, इसमें क्या है प्रोटोन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्रोटोन, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट सिस्टम हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये ऑटो आयनाइजेशन हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये ऑटो आयनाइजेशन होने के बाद ऐसे करेगा, ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन, ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप क्या है, ये जे कोई साल्ट है, ठीक है, ब्रोमियम BrF2 AS और F6, ठीक है, ये क्या है कोई साल्ट है, वो साल्ट किस सॉल्यूशन में है, वो इन BrF3, ठीक है, इन BrF3 है। तो ये हमको बताना है कि ये जो है ये साल्ट जो इस BrF3 में किसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एसिड होगा और क्या करेगा बेस। तो हमने क्या बताया, जब भी हम क्या करते हैं ऑटो आयनाइजेशन के बाद क्या होगा, कोई सॉल्वेंट के लिए उसमें डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व करने के बाद या क्या होगा वो कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन बढ़ाएगा या कैटायन बढ़ाएगा, बस हम इसी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी ये जो क्या है हमारा ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है हमारा, ओके, BrF3। तो BrF3 इस फॉर्म में जनरली ऑटो आयनाइजेशन होता है, ठीक है,
टू पॉजिटिव आयन या कैटाइन और बी आर एफ माइनस एन आइन आयन, ठीक है। ये सॉल्व मतलब सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑटो आयनाइजेशन हो गई, ठीक है। इसको अगर आयनाइजेशन करोगे तो आप क्या होगा, ये ओके यहाँ पे ये करेंगे, देखो आप बी आर एफ टू पॉजिटिव आयन, ठीक है, और ए एस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे हम कंसेंट्रेशन किसकी देखेंगे, सिर्फ इस चीज की और इस चीज की देखेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर पॉजिटिव बी आर एफ टू पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, एसिड, और कहीं पे ये बी आर एफ फोर की जो कंसेंट्रेशन बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, तो वहां क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक तो बी आर एफ टू आपका यहाँ हो गया, ये आप किससे आया, ये आया आपका सॉल्वेंट से, राइट, और ये दूसरा आया आपके साल्ट यानी सॉल्यूट से, ठीक है। तो एक और एक दो, तो यहाँ पे दो हो गए क्या, पॉजिटिव आयन मतलब कैटाइन, ठीक है, पॉजिटिव मीन्स कैटाइन यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन बी आर एफ फोर माइनस की कितनी है, वही है, लेकिन यहाँ पे हमको इस वाली इस माइनस को कंसेंट्रेशन नहीं देंगे हम, ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे हम, किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ इसको और इसको, ठीक है, प्लस बी आर एफ टू पॉजिटिव आयन और बी आर एफ थ्री बी आर एफ फोर ये आपके माइनस के लिए, ठीक है, तो इसके लिए करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी होल रिएक्शन जो होगी, ठीक है, एक यहाँ से आ गया, इस साल से आ गया, यहाँ से ये वाला बी आर एफ फोर बी आर एफ टू पॉजिटिव आयन आ गया और एक यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है आपकी पॉजिटिव यानी कैटाइन की, ये ओके, ये आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी इंक्रीज हुई, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई यहाँ पे कैटाइन की, तो कैटाइन की हुई, तो यहाँ पे ये क्या किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, ये कर रहा है आपका एसिड, ठीक है, किसकी तरह, एसिड, ओके, क्लियर। तो अब हमने देखा कि अगर ये एसिड की तरह वो कर रहा है बिहेवियर, तो ये क्या हो गया आपका एसिड, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एसिड, ये बात ध्यान रखना, ये उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो और वैसे ये भी क्या है, सीवर एटकिंस की जो इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बुक है उससे लिया गया, ये मैंने क्वेश्चन मैंने उसी से उठाया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कोई साल्ट है के बी आर एफ फोर, ठीक है, के बी आर एफ फोर एन एसिड और बेस इन बी एफ थ्री, ठीक है, इसको भी बताना है हमको कि ये बेस है और क्या है, एसिड है, किसमें, इसमें बी आर एफ थ्री में, राइट। तो देखते हैं, तो सबसे पहले ऑटो आयनाइजेशन करेंगे हम, हालांकि मैंने इसको कैसे दिखाया आपको, सिंपल वे में दिखाया है कि ऑटो आयनाइजेशन करेंगे, तो ये सेल्फ आयनाइजेशन में होगा, और आपका दूसरा जो साल्ट है आपका क्या, के बी आर एफ फोर, इसको क्या करेंगे, आयनाइजेशन होगा जी इसका, या सेल्फ आयनाइजेशन होगा इसका, इसमें डिजोल्व करेंगे, ओके, इस बी आर एफ थ्री में डिजोल्व करेंगे, तो के पॉजिटिव और बी आर माइनस बी आर एफ फोर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि यहाँ पे देखो, या तो इसकी कंसेंट्रेशन बढ़े या इसकी, अगर इसकी बढ़ रही है तो ये क्या होगा, वो साल्ट आपका वो होगा एसिड, और इसकी बढ़ रही होगी तो क्या होगा, वो बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो किसकी बढ़ रही है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जब एक ये है और एक ये है तो दो बी आर एफ फोर माइनस आयन हो गए, तो दो बी आर एफ फोर माइनस आयन हो गए, तो ये किसका कार्य, इसकी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है आपका बेस, किसकी तरह, बेस, राइट, ओके। ये देखो यहाँ पे क्या बढ़ गए आपके, दो बी आर एफ फोर माइनस आयन बढ़ गए, ठीक है, और यहाँ पे टू बी आर एफ टू पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये एक है, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन किसकी बढ़ रही है, इसकी, तो ये किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, ये कर रहा है आपका बेस, राइट। और देखते हैं हम, ये देखो ये क्या है आपका SBF5, ये किसकी तरह, ये कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, ठीक है, ओके, यहाँ देख रहे होगे आप SBF4 पॉजिटिव आयन और ये आपका SBF माइनस नेगेटिव आयन या एन आयन, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप, ये किस में डिजोल्व कर रहे हैं इसको हम, ये सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट बी आर एफ थ्री, ठीक है, तो बी आर एफ थ्री से क्या आएगा, बी आर एफ टू, और दूसरा आपका क्या है, जनरली यही आएगा आपका, ओके, क्या आएगा, बी आर एफ पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो कंसेंट्रेशन बढ़ रही है वो किसकी बढ़ रही है, कंसेंट्रेशन बढ़ रही है इसकी, क्योंकि यहाँ पे बी आर एफ फोर माइनस की कंसेंट्रेशन लो है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, एसिड, ठीक है, ये क्या हो गया, एसिड। और यहाँ पे अब देखो ये क्या है, एक आपका ये भी है, ये भी नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल का है AgBrF4 in BrF3 में, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जो AgBrF हमको बताना है क्या है, ठीक है। तो AgBr कैसे कैसे डिजोल्व होगा या कैसे आयनाइजेशन होगा, Ag प्लस आयन और आपका BrF, BrF माइनस यानी एनायन, राइट। तो यहाँ से BrF से क्या आया होगा, एक ये वाला हो गया, और यहाँ पे देखो ये किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है BrF, एक ये बढ़ गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। तो 2 BrF 4 माइनस आयन हो गए, यहाँ पे 2 BrF 4 माइनस आयन हो गए, यहाँ ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, किसकी, एनायन की। तो एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो चीज क्या होती है, बेस, क्या होती है, बेस, राइट, ओके। तो यहाँ पे और इसकी क्या है, इसकी लो है, अगर इसकी बढ़ती तो क्या होता है, ये एसिड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये देखा हमने कि भाई एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन मतलब बेसिकली ये BrF3 में, ठीक है। तो ये अब हम जो सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन जो हमारा नेट GRF 2017 में दिया हुआ है, ओके, पार्ट सी में, तो इसको मैच करना है हमको। अब यहाँ पे आप इतना तो समझ ही गए कि ये रिएक्शन ऑटो आयनाइजेशन कौन सी होगी, ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन ये होती है, ठीक है, या सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन, राइट। अब यहाँ ये भी देख चुके आप, ये सॉल्यूशन जो कैसा था आपका, ये था आपका, ओके, यहाँ देखो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ी थी, यहाँ बढ़ी थी एफ बी आर एफ पॉजिटिव की। तो ये हो गया आपका एसिडिक, ये एसिडिक हो गया, तो एसिडिक जो वो होगा सॉल्यूशन होगा या एसिडिक एसिड होगा वो किसके साथ जनरली करेगा, वो करेगा बेस के साथ, एसिड होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, ठीक है। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, आप 10th से पढ़ते आ रहे होंगे बेसिकली, और 8th से, तो जो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका, ये आपका, ठीक है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे SbF5 और BrF3 और ये आपका, ये रिएक्शन दी हुई है जनरली, ठीक है, तो ये रिएक्शन दी हुई है, ओके। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो किसकी हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है पॉजिटिव आयन की, ठीक है, या कैटायन की, BrF2 कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो होगी वो किसका कार्य कर रही है, जो SbF5 है वो कर रहा है यहाँ पे एसिड का कार, एसिड की तरह फंक्शन कर रहा है, एसिड का फंक्शन कर रहा है। तो ये किसकी तरह, जो BrF होगा वो किसकी तरह कर रहा होगा, जब ये एसिड है तो ये क्या कर रहा होगा, बेस, ये एसिड है तो ये क्या कर रहा है, बेस, राइट। ये अगर एसिड है क्यों, क्योंकि भाई ये कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन बड़ा इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, बेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, लुईस एसिड बिहेवियर ऑफ BrF3 ये नहीं होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, लुईस एसिड, लुईस बेस बिहेवियर ऑफ BrF3, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट का क्या होगा आपका, फर्स्ट का होगा आपका बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट का हो गया बी हमारा, राइट, फर्स्ट का बी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है आपका BrF2, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है, BrF2 और क्या है आपका SbF6, ठीक है। ये जो था वो क्या था आपका, ये है वो क्या करेगा, ऐसे BrF2 इसको क्या करोगे आप, डिजोल्व करोगे या ऑटो आयनाइजेशन, इसका आयनाइजेशन करोगे तो BrF+2 BrF2 पॉजिटिव आयन बनेगा और ये नेगेटिव आयन में जाएगा, ठीक है। और पहले से ही क्या है आपके पास, BrF3 था, तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका एसिड, ठीक है, एसिड है, क्यों, देख लो एक बार, आपको बता दूं मैंने यहाँ पे, ये है देखो, ठीक है, ये जो था वो आपका कैसा था, इस सॉल्यूशन में ये था आपका एसिडिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, ठीक है, तो बढ़ रही थी इसकी कंसंट्रेशन, तो ये क्या था, एसिड, राइट, ये एसिड था, और यहाँ पे BR जो होगा वो आपका क्या होगा, बेस, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एसिड वाला, और ये क्या है, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन देखो हमने बताया था कैसा था, बेसिक, ओके, या यहाँ देख रहे हो आप, ये क्या है आपको, इस तरह से ये हुआ, तो यहाँ पे भी किसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी हमारी इस चीज की, नेगेटिव की, ठीक है, या एनायन की, ठीक है, BrF नेगेटिव आयन, तो ये कैसा हो गया, बेस, वो एसिड था और ये क्या था, क्या हो गया आपका, बेस, ठीक है, वो एसिड, ओके, ये क्या है, एसिड और ये क्या है, बेस,
जब एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है तो ये क्या हो रही है, ये आपका न्यू फॉर्म बन गया, न्यूट्रलाइजेशन, ये साल्ट बन गया दूसरा, और ये बन गई आपकी जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन होती थी तो वाटर और साल्ट बनता था, ऐसे यहाँ पर ये आपका बन गया सॉल्वेंट राइट, और ये आपका साल्ट बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन राइट। ये देखो क्या हुआ, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन बनती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जनरली सी बात है। ओके अब नेक्स्ट थ्री, हाँ ओके यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये फिर सेकंड में क्या आया आपका, सेकंड में आया डी राइट, सेकंड में आया डी, बी डी ओके। अब क्या रहता है, अब रहता है आपका थ्री, थ्री में क्या है के एफ प्लस और क्या है बी आर एफ थ्री, और आपकी ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लो फिर कंसंट्रेशन किसकी बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई आपकी एनायन की राइट। जब आपकी एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या समझे भैया कि यहाँ पे जो ये वाला जो कंपाउंड है वो बेस की तरह कर रहा है, तो ये बेस की तरह कर रहा है तो ये क्या हो गया एसिड, क्या हो गया ये एसिड, ठीक है। तो जब ये एसिड हो गया तो ये क्या हो गया आपका लुईस एसिड बिहेवियर ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है, ये क्या हो गया आपका थ्री में हो गया आपका ए, फिर क्या हो गया ए राइट। अब नेक्स्ट रह गया ये देखो, ये और देख लो बी आर एफ, यहाँ पे देखते हैं ऐसे, ये क्या बी आर एफ थ्री, और ये तो ऑटो आयनाइजेशन है ही है, क्यों, क्योंकि भाई हमने पहले ही बता दिया था बी आर एफ जो थ्री है वो किस फॉर्म में रहना, आयनाइजेशन करोगे तो कैसे होगा, बी आर एफ टू पॉजिटिव और प्लस बी आर एफ फोर नेगेटिव आयन राइट। तो ये थी आपकी, ये क्या हो गया आपका सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन मीन सेल्फ आयनाइजेशन राइट। तो ये कितने अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट को समझा और कितने इजी वे में फोर नंबर का ये क्वेश्चन जो था वो आपको समझ में आया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसी ईयर का एक पार्ट बी में पूछा गया है, ठीक है ओके। अच्छा हाँ ये देख लो, तो ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट में ओके ओके राइट, ये होगा आपका डी, क्या होगा आपका डी, डी क्या होगा देखो, ये फर्स्ट में डी और सेकंड में डी, थर्ड में सही ओके, ये क्या होगा आपका डी, ऑप्शन क्या हो गया आपका डी राइट। तो इसमें चार नंबर आपके कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, ये है हमारा द कंपाउंड दैट गिव्स ए बेसिक सॉल्यूशन एच एफ इज, ठीक है। इसमें भी वही देखना है हमको, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन और कंसंट्रेशन ऑफ एनायन राइट। तो ये आपके लिए कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है, कंपाउंड दिए गए हैं, बेसिकली ये फोर कंपाउंड्स हैं और हमको ये बताना है कि जो वे कंपाउंड बताइए जो इसके अंदर किसका कार्य करे, मतलब इस सॉल्वेंट के सॉल्वेंट में बेसिक का काम करे, ठीक है ओके। किसका ये सॉल्यूशन जो करे वो किसका बेसिक का काम करे, ठीक हाँ। तो देखो इसको क्या करते हैं, इसका आयनाइजेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, ऑटो आयनाइजेशन करेंगे या सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में रहना चाहता है, ठीक है, एफ एच टू पॉजिटिव एच टू एफ प्लस सॉल्यूशन और ये क्या है एफ एच एफ माइनस यानी नेगेटिव आयन और एन आयन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अगर इसकी रिएक्शन हम इससे कराएं, ठीक है, तो क्या बनने आइए, अगर ये चीज बढ़ रही है किसी भी सॉल्यूशन में तो क्या है वो एसिडिक, और ये बढ़ रही है तो क्या है वो बेसिक, ठीक है, ये एसिड और ये बेस के लिए डिनोट करती है जनरली, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसकी एस एफ फाइव की जब रिएक्शन कराएंगे एच एफ से तो क्या बनेगा, एस ये नेगेटिव आयन बन जाएगा आपका, एन आयन बन जाएगा ए एस एफ सिक्स एन आयन और ये बन गया आपका पॉजिटिव वाला। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे ये बढ़ रही है तो ये क्या हो गया एसिड, ये हो गया एसिड, ये क्या हो गया एसिड, तो ये एसिड हो गया जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये इसकी रिएक्शन करेंगे सेम इसी की तरह होगी तब भी यही हो रहा है, ठीक है, और इसमें भी क्या हो रहा है एस भी ओके, ये भी अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये भी आपको यही मिलेगा राइट। और यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है एच टू एफ पॉजिटिव यानी कैटाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्या है एसिड, ये चीज क्या है एसिड। अब यहाँ पे क्या बात करते, नेक्स्ट रहती है ये बी आर एफ थ्री, ठीक है, बी आर एफ थ्री और ये एच एफ है, ठीक है। तो ये किसके फॉर्म में होगा,
जनरली ये देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एनायन की बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन। कैसा हो गया, बेसिक, ठीक है। तो यही तो हमें पूछना था, मतलब जो बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो BrF3 है इसने क्या डोनेट कर दिया, इसके लिए एक फ्लोराइड आयन डोनेट कर दिया, ठीक है, यानी फ्लोराइड आयन डोनेट कर दिया। तो ये किसकी तरह कर रहा है, जब कोई चीज डोनेट कर रही है तो आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यही बताना था, द कंपाउंड दैट गिव्स इट बेसिक सॉल्यूशन इन HF इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए आपका, डी, क्यों, BrF3 जो है वो डोनेट कर रहा है एक एस, किसके लिए, HF के लिए, ठीक है, जनरली बात है। तो ये थी आपका एक कॉन्सेप्ट, और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी।